हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। दोस्तों, जब भी आप एक्टिंग में अपना करियर शुरू करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले। ऐसे ही कुछ सवाल और कुछ डाउट्स लेकर कुछ लोग आए जॉइन फिल्म्स के सेमिनार में, तो आज मैं शेयर करूंगा फिल्मी फंडे में वही वीडियो क्लिपिंग्स। जो भी आप लोग पूछना चाहो। मेरा ये पूछना था कि जब हम कहीं ऑडिशन पे जाते हैं तो वो लोग कितनी बार हमें टेक करने देते हैं, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये टेक मेरा अच्छे से नहीं हुआ, मैं एक और टेक दूँ, वो पूछूंगी तो क्या वो बुरा मान देंगे या वो हमारा टेक लेंगे, या हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यार दूसरा वाला अच्छा था, ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा है, कैसे डिसाइड करेंगे वो? और हमेशा लगता है कि एक और टेक हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये और भी लोगों को रहता होगा कि टेक रीटेक का क्या है, कैसे क्या है। देखो क्या है, आप बहुत सिंपल समझो। पहले तो हम ये मान के चले ये माइंडसेट की बात है, जो रीटेक वाली बात है ना, और अगर ये माइंड में रहेगा तो हम हमेशा ये चाहत में रहेंगे कि एक चांस और मिलेगा। हमेशा माइंड में रहेगा कि एक चांस और मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले ना, तो ना अपने आप को जब भी तैयार कर रहे हैं उस ऑडिशन के लिए, उस ऑडिशन रूम के बाहर तैयार कर रहे हैं, पहले ही मान के चले कि जो मैं एक ही टेक देने वाला हूँ या देने वाली हूँ ना, वो फाइनल ही होगा। बेटर है रीटेक से ज़्यादा रिहर्सल कर लें। इसलिए तो उसको रिहर्सल बोलते हैं कि आप बार बार प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। तो बेटर है ना कि हम उस चांस को हटा दें माइंड से और हम रिहर्सल बार बार कर लें। और बेटर होगा अगर हमें कास्टिंग में या जो भी वहाँ पे लोग हैं उनसे हेल्प लेके हम उनको एक बार बोलें कि सर हम एक बार रीड करके देख लें कि आपको बता दें, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग अवेलेबल हैं और ऐसा पॉसिबल है तो हम एक बार वैसे करके देख लें, या अपने कोई हमारे साथ फ्रेंड है या कोई को एक्टर है तो उसको एक बार करके दिखा दें। हम उस तरह से प्रैक्टिस जितनी बाहर कर लें उतना बेटर है। क्योंकि देखो एक बात तो आप जान लो, समझ लो, अगर आप रीटेक के लिए बोलते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बोलो, अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर कर सकते हो तो एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करो, बट आप भी जानते हो कि अगर आपसे कोई बोले कि मैं रीटेक दे दूँ एक, तो आपको थोड़ा सा तो उसका परसेंटेज जो है उसका परफॉर्मेंस का गिर जाएगा आपके माइंड में कि ये एज ए प्रोफेशनल एक्टर एक ही बार में क्यों नहीं कर पाया। तो कोशिश तो ये करो कि नहीं करो। और मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आपने माइंडसेट सही कर लिया कि मुझे नहीं देना है तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके माइंड में है रीटेक तो आप यकीन जानिए होगा, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से प्रिपेयर हो जाता है ना कि आप मुझे एक चांस और मिलेगा, मिल सकता है, तो बिल्कुल हटा दीजिए माइंड से, आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक ही बात ध्यान रखिए, बार बार रिहर्सल ऐसे कीजिए कि परफॉर्म कर रहे हैं, और परफॉर्म ऐसे करो जैसे कि रिहर्सल कर रहे हो। वहाँ पे स्क्रिप्ट बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही बोलना चाहिए, या थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से मतलब सेम ही चीज को अलग तरह से बोलेंगे, ऐसा बोल अलाउ करते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब कंटेंट सेम रहेगा लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ शब्द चेंज कर सकते हो या थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। थीम और कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, फिर भी बेटर यही होगा कि एक बार उनसे पूछ लीजिए आप कि क्या मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से बोल सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो स्क्रिप्ट याद करने के उसमें ना हम भूल जाते हैं, हमें लगता है अच्छा वो तो हम भूल गए अभी बोला है, तो दिमाग कहीं और जाने लगता है। तो पहले तो एक बार उनसे पूछ लें, अच्छा होगा, क्योंकि उससे ये होगा उनको मालूम है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करने वाले, और उन्होंने अगर एग्री किया तो इस बात के लिए एक्सेप्ट कर, राइट। अगर मान लो उनको नहीं वर्ड टू वर्ड ही चाहिए, उनको मान लो प्रोडक्शन हाउस या चैनल से ऐसा बोला गया है कि नहीं आपको बिल्कुल एज इट इज ही करेक्टर फॉलो करवाना है, तो वो आपको बता देंगे, तो फिर आप समझ जाओगे। तो भले ही थोड़ा सा टाइम ले लो प्रिपरेशन में, लेकिन आप वैसे ही रेडी करो। पर ज़्यादातर केसेस में वो आपको ये देंगे छूट कि आप चेंज कर सकते हो, ज़्यादातर केसेस में आपको ये छूट मिलेगा, तो उसके बाद लेकिन जो भी करें एक बार पूछें जरूर, बगैर पूछे जरूर, ठीक है। और कुछ वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो एक अच्छा एक्टर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उनको अभी ऑडिशन में एक वो एक्टर चाहिए जिसकी तलाश में वो पूरा प्रोडक्शन हाउस लगा है, उसने ही ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया। वो आपकी किसी भी सही बात से कभी भी नाराज नहीं होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, और उनको बुरा लगेगा भी नहीं। लेकिन हम अगर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लगे कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या, वैसा भी कर सकते हैं क्या, या मैं अपनी एक थिएटर की स्क्रिप्ट मुझे याद है मैं वो कर दूँ क्या, ये सब नहीं। हम बस पूछे, अगर देखिए मैं ही पूछ रहा हूँ कि मैम ये जो आपने डायलॉग दिया है
ये थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, मतलब कंटेंट सेम रहेगा बट लाइन और शब्द हो सकता है मैं आगे पीछे करूँ, या ये इंग्लिश वाले वर्ड्स मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। कई लोगों को उर्दू के कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, शहादत, जिंदगी, जिंदगी, अगर लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है तो बोले ये मैं जिंदगी को जीवन कर सकता हूँ क्या, पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। अगर उन्होंने बोला नहीं आपको जिंदगी बोलनी है तो फिर अपने आप क्लियर करो कि मैं जिंदगी बोल रहा हूँ या जिंदगी बोल रहा हूँ, तब जिंदगी ही जाना चाहिए, तब फूल नहीं जाना चाहिए, फूल ही जाना चाहिए, तब फिर नहीं बोलना है, फिर ही बोलना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो पकड़ में आ जाएगा। पहले तो पूछ लें अगर किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, उन्होंने बोला ओके तो चेंज कर, नहीं तो कहना है, और कोई बुरा नहीं मानता, बिल्कुल बुरा नहीं मानता। सर ऑडियंस इतने ध्यान से देखते हैं क्या, जैसे मास्टरिंग में तो पूरा एक एक वीक वर्ड्स निकालते हैं, प्रोनंसिएशन में कुछ होता है, तो ऑडियंस तो आई थिंक इतना कंप्लेंट करते होंगे ऐसे कि कुछ नहीं करते, नहीं करते ना, सिर्फ कास्टिंग के टाइम ही ध्यान रखना होता है। देखिए क्या है, आप एक नॉर्मल एक्टर हो, मतलब शौकिया कलाकार हो या फिर एक प्रोफेशनल कलाकार, यदि आप प्रोफेशनल एक्टर हो तो मैं आपसे सारी चीज़ें प्रोफेशनली उम्मीद करूँगा। अगर आप हिंदी में काम करने आए हो तो मैं चाहूँगा कि आप हिंदी ठीक बोलें, बिल्कुल सही बोलें। अभी फिर भी इतना लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा, अभी फिर भी ये जो हो गया जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, लोग फिर बोलने लगे हैं, लोग उसको जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं रहा, कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं रहा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगेन वही वाली बात आ गई कि हम कितना इजी चाहते हैं अपने लिए, तो हम इजी करते ही जाएंगे फिर। लेकिन अगर एक बार आप सीख लो तो आप सोचो एज एन एक्टर आप कितने ऊपर चले जाओगे, आपके ऑप्शंस कितने बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आप फिर बोलते हैं, आप फुल बोलते हैं, आप फिर बोलती हैं और आप फुल बोलती हैं, आप दोनों का ऑडिशन हुआ तो मैं किसको चांस दूंगा, अच्छा बोलेगा जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। जब मैं कटिंग पे आऊंगा तो मैं क्या ध्यान दूंगा, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों सुपर एक्टर, पर मैं किसको लूंगा, मैं बोलूंगा इनकी हिंदी भी ठीक है, इनके साथ बैठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगेन कोई बहुत ही क्रिटिकल राइटर डायरेक्टर बैठा हुआ है तो भी किसको लेगा, मान लो एज ए डायरेक्टर मैंने बोला नहीं यार इनकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो बोलेगा नहीं हिंदी तो ऐसे ही बोल रहे, एक्टिंग तो आप करा लोगे आपका काम है, पर इनसे हिंदी कौन ठीक कराएगा, कौन बैठा रहेगा क्या इन्हें गलत बोल दिया, क्योंकि खासतौर से टीवी में तो डबिंग भी नहीं होती है, टीवी में कहाँ डबिंग होती है, टीवी में कभी कभी जो एक्सटीरियर के सीन्स हैं उसका थोड़ा बहुत डब होता है, बाकी कोई डबिंग नहीं होती, उसी टाइम सारा का सारा ऑडियो शूट होता है, तो वहाँ बार बार किसी के पास समय नहीं है कि आपके वर्ड्स ठीक कराता रहेगा। फिल्म में तो ये होता है कि अगर एक वर्ड गड़बड़ बोल भी दिया ना, जैसे एक रियल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, क्रांति फिल्म का डबिंग मैंने देखा था, विनोद खन्ना जी हैं उसमें, तो उन्होंने एक डायलॉग में बहुत क्लियर बोला है कि इसमें बहुत गड़बड़ाहट हो जाती है, तो उसको ओके किया गया, क्योंकि गड़बड़ाहट को घबराहट किया जा सकता है, बाद दोनों सेम मीटर में है, तो उन्होंने ओरिजिनल शॉट में बोला है गड़बड़ाहट, उसको बाद में घबराहट कर सकते हैं क्योंकि डब हो रहा है, लेकिन ऐसा सीरियल में तो नहीं होगा, सीरियल में तो कट ही बोलना पड़ेगा, दोबारा बोलना पड़ेगा, तो कोशिश करें कि वो प्रॉपर ही हो, नहीं तो हम ऐसा ऑडिशन ना दें। मान लीजिए आपने बोला कि ये इंग्लिश वर्ड मैं नहीं बोल पा रही हूँ और वो करेक्टर ऐसा है जिसमें इंग्लिश वर्ड आने ही वाले, तो वो हो सकता है उसी टाइम बोल दे कि मैडम आप फिट नहीं, कोई बात नहीं, बाद में आप भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, बेटर है कि आज पता चल गया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और कुछ हम लोग जब ऑडिशन के लिए जाते हैं तो स्क्रिप्ट हम लोग को पहले मिलता है या मतलब उस टाइम पे वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है, नहीं स्क्रिप्ट आपको हमेशा पहले मिलेगा। हाँ एक ये हमारे तरीके में होना चाहिए, जैसे ही हम अंदर जाएं हम सबसे पहले वहाँ जो भी है अवेलेबल कि मैं ऑडिशन के आया आई हूँ सर मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, ये हमारा काम है। कई बार जो नए लोग होते हैं वो डरे हुए होते हैं तो वो इधर उधर पूछ लेते हैं क्यों स्क्रिप्ट कौन दे रहा है, स्क्रिप्ट कौन दे रहा है, तो वो ना करें, आप सीधे उस पर्सन से मिले जो भी वहाँ पे है कि मैम मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, कौन सा करेक्टर मुझे करना है, ओके जो भी सवाल है मैं आपसे पूछूं या मुझे कोई और बताएगा, आप उनसे भी पूछ सकते हो अगर वो बोल सकता बता सकते हो, या वो बोलेंगे मैं दूसरे पर्सन से बता देती हूँ, तो आप सारे क्वेश्चन उनसे क्लियर कीजिए जो जो आपको बताया गया है कि ये पूछना है आपको एक करेक्टर के बारे में, वो उनसे पूछिए और फिर साइड में जाके टाइम ले सकते हैं, वो टाइम देंगे ही आप, वो हमेशा टाइम देंगे आप,
तो स्क्रिप्ट में आप लोग को हमेशा टाइम मिलेगा, उसमें आप जल्दबाजी ना करें, उनसे सारी डिटेल ले लें और उसके बाद प्रिपेयर करें। जब आपको लग जाए आप तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से लग जाए, तब खुद जाके आगे बढ़ के बोलें कि मैं रेडी हूँ। कई बार क्या होता है, हम तैयार हो जाते हैं उसके बाद भी हम बताते नहीं हैं, हम सोचते हैं ये चला जाए। वो मत करो, क्योंकि आप जितनी देर वहाँ बैठोगे ना आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा, तो वो इंतजार मत करो। आप यहाँ पे सिर्फ ऑडिशन दे रहे हैं, आप किसी का ऑडिशन देखने नहीं आए, आपने अपना तैयार किया, बोला मैं रेडी हूँ, जैसे उन्होंने बुलाया दिया, उसके बाद रुकने की कोई जरूरत नहीं, सीधे निकल जाओ। एक काम जरूर करना, जैसे आप ऑडिशन रूम में जाते हो या स्पॉट पे जाते हो ना, हमेशा पॉजिटिवली स्माइल करते हुए जाओ, हेलो जरूर करो, जो भी वहाँ पे कैमरा पर्सन है कास्टिंग वाला उसको अच्छे से हेलो करो। इससे ना आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप खुद बहुत नॉर्मल होने वाले हो, नॉर्मल फील करोगे आप, एक गैप मिलता है, जो नर्वसनेस है एजिटेशन है वो टूट जाता है, एक ब्रेक हो जाता है ना कि हेलो, बस इतना ही बोलना। और जाते टाइम आपको याद है मैंने बोला था ना कि फेस आपका रजिस्टर होना चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट तो हमें निकालने पड़ेंगे ना, क्या क्या हो सकते हैं कि बस जैसे उसने बोला ओके तो अपन भाग गए कि यार अच्छा होगा यहाँ से जाओ, बोल आराम से ओके ठीक है बताइएगा थैंक यू वेरी मच, कुछ भी बोल के उनको प्यार है वहाँ से ऐसे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे। यदि आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे ये जरूर पूछा है पिछले दिनों कि अगर हमारे पास कुछ फंड अरेंज हो तो क्या हम अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए वीडियोस बना सकते हैं, या ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छे से, या फिर हम शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं जिससे कि हम प्रमोट हो पाएं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।